नमस्कार, रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, अब भारत को किसी भी सूरत में उठना ही पड़ेगा, जगना ही पड़ेगा। भारत को अब चुनौती कबूल करनी ही पड़ेगी। भारत को अब उनको आंख दिखाना पड़ेगा जो भारत को आंख दिखाने का धंधा चला रहे हैं, और धंधा भी कैसे कैसे कर रहे हैं। पहले आपको प्रलोभन देते हैं, पहले आपको पैसा देते हैं, आपसे ही लूटा हुआ पैसा आपको देते हैं, और उसके बाद आपके सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करते हैं, और फिर अपनी नीति जो थोपना चाहते वो थोपते हैं। इस बात को भारत के एक एक बच्चे को समझना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले राजीव भाई दीक्षित इस मुद्दे को लेकर के अलख जगा रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, शहर शहर जा रहे थे, लोगों को बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जागृत भी किया, लेकिन वो काम अधूरा रह गया और राजीव भाई दीक्षित गुजर गए। ये गुजरे हुए उनको तकरीबन 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका काम आज भी अधूरा है। हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो शोध उन्होंने किया उस शोध को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है। इसलिए हमने भारत को जगाने का जो बीड़ा है अपने कंधे पर लिया है, और हमारा क्यूवाइब नेटवर्क ये चाहता है कि भारत को अब खड़ा हो जाना चाहिए अपने कदमों पर। और ये लड़ाई भारत बनाम रेस्ट है, ये भारत बनाम चीन या दुनिया बनाम चीन या दुनिया बनाम रसिया नहीं है। वर्ल्ड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बनाम रसिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बनाम चाइना नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बनाम भारत है। क्योंकि भारतीय संस्कृति जिस तरीके से पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ, सहिष्णुता के साथ और हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज के साथ एक्सेल कर सकती है, किया है अतीत में, उसको हमें पुनः स्थापित करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज हम आपको वो बात पहले दिखाते हैं कि कैसे भारत के ऊपर कैसे कैसे लोग कब्जा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो गेट्स साहब हैं, महान गेट्स, बिल गेट्स साहब, उनके पैसे से क्या सब चल रहा है, वो कैसे हमें कब्जा कर रहे हैं, किन किन तरीकों से कब्जा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके प्रति संवेदना भी रखते हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट है, और कोविड के दौरान ये जो महामारी आई, इस दौरान किस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट को पैसे दिए गए, किसने दिया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गेट्स $150 million मोर फ्रॉम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर एडिशनल 10 करोड़ वैक्सीन। अभी दिक्कत यही हो रही है, यही दिक्कत हो रही है कि उनका जो बाजार थोड़ा सा कम हो गया है तो परेशानी हो रही है। गेट्स भाई साहब को भी परेशानी हो रही है, आधार पुनावाला साहब को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट विल गेट द एडिशनल फंड वाया द फाउंडेशन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, टेकिंग द टोटल फंडिंग फ्रॉम द कोलैबोरेशन टू $300 million। अकेले सीरम इंस्टीट्यूट को गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन ने $300 million की फंडिंग की है।